बहुत अच्छी बात जो हमारे सभी विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने की है। मैं हिंदी और उर्दू का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और हिंदुस्तानी में बोलता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हिंदुस्तानी लफ्ज़ मैं जानकर बोल रहा हूँ, क्या बात, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी लफ्ज़ है ये कहीं गुम हो गया है। उस शब्द को समझने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे देश की जो समस्या ये है कि बहुत सारी ये बोलियाँ भाषाएँ, तो मैं ये समस्या नहीं मानता, बल्कि ये एक एसेट्स है, एक रिसोर्स है। और इन तमाम वैरायटी में अगर कोई एक भाषा जोड़ती है तो वो है हिंदी। तमिल बोलने वाला चाहे गुजराती या कश्मीरी या पंजाबी या मराठी या आसामी या मणिपुरी बोलने वाला, वो सब हिंदी ज़रूर बोलता है। तो पहले देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि भाषा क्या है। मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, खुद उसके उसूल को, उस पर मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। भाषा, जैसा राज साहब ने कहा, एक बहता नीर है, लेकिन हमने उसको नाली बना दिया है। हमने उसके जो भी चारों तरफ से बंद कर दिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको शुद्धता का आग्रही नहीं होना चाहिए, कि प्योरिस्ट। आज के दौर में कोई चीज़ प्योर नहीं है। हम किस भ्रम में जी रहे हैं? आप अगर दवाई की दुकान में जाएंगे तो आप बोलेंगे साहब पैरासीटामोल दीजिए, कि आप पैरासीटामोल की हिंदी ढूंढेंगे? या आपको जब भूख लगेगी तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बताइए होटल कहाँ है? अगर आप कहेंगे कि भैया मुझे भोजनालय का रास्ता बता दो, तो आपको हो सकता है कि कई घंटे जद्दोजहद करना पड़े, आपको होटल नहीं मिलेगा। तो हम शुद्धता के एक अलग भ्रम में है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं। हमको अपने उस खिड़कियों को, अपने दरों दीवार को खोलना पड़ेगा और आने दीजिए सारी भाषाएं। आज ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी में, आप देखिए कि तकरीबन दसियों से ज़्यादा जो शब्द हैं वो हिंदी के, वो समाहित किए जा रहे हैं। वो एक समावेशी भाषा का वो एक 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 आप एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी आप देखिए कि 800 साल कबल पहले अमीर खुसरो थे। भाषा का यूं इतिहास तो हज़ारों साल पुराना होता है, लेकिन एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट अमीर खुसरो साहब ने किया, और ये सब हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिहाले मिसकी मकुन तगाफुल, दोराए नैना बताए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये ब्रज हिंदी, फारसी और उर्दू का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, यहाँ से वो गंगोत्री हिंदी की बहती है। हिंदी जो है ये हिंदवी लफ्ज का ये एक मिसनोमर बना बाद में, जिसमें सभी भाषाएँ हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि हमको भाषा वो बोले जो आवाम को और भाषा और जनमानस को कनेक्ट करे। पेप्सी एक प्रोडक्ट है जिसका पंचलाइन लिखा गया, ये दिल मांगे मोर। अब इसमें देखिए, ये अपने आप में शुद्ध नहीं है। ये दिल उर्दू का लफ्ज है, मांगे हिंदी है, मोर अंग्रेजी है। ये कितनी विशुद्ध है, अपने आप में इम्प्योर है, लेकिन कितना कनेक्ट करता है। अगर आप ये कहें ये हृदय मांगे और अधिक, तो आप आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये दिल मांगे मोर इतना पॉपुलर पंचलाइन हुआ कि लोग आप भी ठंडी में बोलते हैं भैया पेप्सी दो, है कि नहीं? मैं जो मेरा आग्रह है, मैं ये कहना ये चाहता हूँ इस अमर उजाला के माध्यम से, ये अखबार जो आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हमको लोगों को झंझोरना पड़ेगा कि हम आवाम से जुड़े, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े। हिंदी को लेकर के हमें कोई अपने अंदर निगेटिव फीलिंग और हमको कमतरी का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम कम हैं। नहीं, मैं हिंदी भी जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, फारसी, अरबी, और लेकिन मैं हिंदी जब बोलता हूँ तो मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, मैं बड़े फख्र के साथ बोलता हूँ कि मेरी हिंदी में उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, अरबिक भी है, संस्कृत भी है, तमाम भाषाएं हैं। तो इतना बड़ा दिल जो है वो हिंदी का है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम कहीं ना कहीं, जिसमें आप राजनीति का आपने वो बात कही, वो राजनीति, वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो राजनीति है, जिसकी वजह से हम भाषाओं को भी अलग थलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नुक्ता वहीं लगेगा जहाँ लगना चाहिए, लेकिन हम अपने जो बच्चों को वो तरबियत दें, वो संस्कार दें कि जिंदगी होता है, जिंदगी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात, ठीक है।
अगर आप जिंदगी को जिंदगी बोलेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, गजल को गजब गजल बोलेंगे तो वो गजल की मौत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नुक्ता ढूंढने का प्रयास, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अमर उजाला की, और अमर उजाला जैसे जितनी भी पत्रिकाएं हैं और समाचार पत्र हैं उनको उस भाषा की सेवा करनी पड़ेगी। हमको अपनी भाषाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा। जब हमारी भाषाएं इकोनॉमिक्स से जुड़ती हैं, देखिए योग, योग जो है क्योंकि हमारी वैदिक हमारा धरोहर है, उसको हमारे पाश्चात्य मुल्कों ने भी उसको योग ही लफ्ज कहा, उसका कोई रूपांतरण नहीं किया, क्योंकि इसका जो उद्भव और इसका जो विकास जो हुआ वो हिंदुस्तान से ही हुआ, भारत से ही हुआ। लेकिन जैसे अगर आप कहें कि मेडिकल साइंस में कोई एक टेक्नोलॉजी है जिसकी उत्पत्ति यहाँ नहीं हुई वहाँ हुई, उसका जगह अगर हम उसका हिंदीकरण, या फिर अगर हम कोई पर्यायवाची ढूंढने के जो एक एक फजूल की जो हरकत है, उस हरकत ने हमारी भाषा को सबसे चौपट किया। मैं ट्रांसफार्मर प्लांट BHL झांसी में मैं मुलाजिम हूँ, वेलफेयर ऑफिसर का पद है मेरा। ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर देवनागरी में लिखिए, क्या हर्ज है? अगर क्या आप परिणाम मित्र बोल करके आप चाइनीज को ट्रांसफार्मर बेच पाएंगे? क्या नहीं बेच पाएंगे? प्रॉब्लम नहीं, जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान ने वही बात कही कि जरूरत भी नहीं है। तो हमको टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा, तकनीक से जोड़ना होगा। जब टेक्नोलॉजी को हम समझ जाएंगे तो हमारी भाषा खुद ब खुद और ज्यादा जो है उसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा। हम सबको ये बताएं कि हर एक भाषा, हर बोली सीखना चाहिए, ठीक है। बुंदेली उतनी जरूरी है, और बुंदेली भी बोले तो फख्र के साथ हम बोले, हिंदी बोले, उर्दू बोले, फारसी बोले, तमिल बोले, हर भाषाओं के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। और देवनागरी में आप कुछ भी लिख दीजिए वो हिंदी हो जाती है। इतनी इतनी दरिया दिली किस भाषा में है? सही है कि नहीं? तो मैं इसी इस मंच को मैं और हमारे संपादक महोदय को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत प्रोग्राम बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, ठीक है, भाषा के माध्यम से। और मैं सभी, मैं भी भाषा के छात्र हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद अपने ऊपर भी अमल करने की कोशिश करता हूँ, और ये सभी हमको मैसेज सब तक पहुँचाना चाहिए।